इंदौर में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस मिले हैं। 9 मरीज IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में मिले हैं। सभी 9 लोग डिफेंस ऑफिसर हैं जो कि IIM में ट्रेनिंग ले रहे हैं। 7 संक्रमित 35 साल से कम उम्र के हैं और एक मरीज 62 साल की उम्र का है। बता दें कि सभी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। 4 दिन में ही 26 नए मरीज सामने आ चुके हैं। एक की मौत भी दर्ज हो चुकी है। 13 मरीजों को मिलाकर जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 153,312 हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। 23 नवंबर को 7,139 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 7,125 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, एक खारिज हो गई है। इससे 2 महीने पहले मऊ कैंट एरिया में 30 कोरोना संक्रमित मिले थे। उस वक्त बताया गया था कि कोरोना पॉजिटिव आए सभी सैनिक थे, वे बाहर से ट्रेनिंग करके आए थे।